हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नजीम। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को तीन प्रोफाइल्स बताने वाला हूं और तीनों प्रोफाइल्स की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं वो तीनों जो है रिमोट है। मतलब आप घर बैठ के यहां पे काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम है और जितने भी फ्रेशर्स ग्रेजुएट हैं उन लोग के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो लोग ट्वेल्थ पास हैं उनके लिए मैं नहीं बताऊँगा। वीडियो के एंड में आप लोग को जितने भी लोग ट्वेल्थ पास किए हैं उन लोग के लिए भी मैं आप लोग को अपॉर्चुनिटीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना। और यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक प्रोफाइल जिसमें है मैं आप लोग को एचआर का भी वहाँ पे डिटेल दूंगा जहाँ पे आप लोग डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकते हो। और एक और स्पेशल बात दोस्तों यहाँ पे वीडियो में ये है कि जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सेपरेटली एक प्रोफाइल है जिसमें सिर्फ कैंडिडेट्स के लिए फीमेल कैंडिडेट्स को मांगा है, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लेना, या फिर आपके जितने भी रिश्तेदार या फिर फ्रेंड्स हैं उनको आप लोग जो है सेंड कर सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर मार देना। पहली बार आ रहे चैनल में तो मेक श्योर नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबा देना, बगल में नोटिफिकेशन बेल उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसे डेली जो अपडेट्स मैं आप लोग के लाते रहता हूँ। दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए जानते हैं सब कुछ ए टू जेड। दोस्तों, सबसे पहली वाली जो जॉब है बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसको कर सकता है और ये कस्टमर केयर वाली जॉब जो कि वर्क फ्रॉम होम है और ये आ रही है आप यहाँ देख सकते हो कंपनी स्टार्टेक की तरफ से। इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं और ये अच्छी कंपनी है। यहाँ पे देखिए सिर्फ 4 आवर्स अगो पहले ही यहाँ पे आई हुई है, सिर्फ ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं हुआ, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में देखिए क्या है, 0 to 4 ईयर्स के जितने भी हैं सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें 100 वैकेंसीज हैं, मतलब आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए 1.7 से लेकर 2.25 LPA जो कि एक मेरे ख्याल से डिसेंट अमाउंट है। अगर आप इसमें जाते हो ग्रेजुएट होके फ्रेशर होके और इसमें काम करते हो तो ये एक अच्छा अमाउंट है। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपको क्या काम यहाँ पे रहेगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नॉर्मल तरीके से रहती है कस्टमर सपोर्ट में वही सारी रहेगी, जैसे कस्टमर्स के कंसर्न्स को सुनना है, उनके इश्यूज़ को सुनना है, और जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उसी तरीके से आपको वहाँ पर जो है बताना है, आंसर्स को बताना है या फिर उसमें रिपोर्ट्स गैदर करने हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके की सारी चीज़ें रहेंगी जो कि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए ग्रेजुएट कैंडिडेट सिर्फ जो है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके अलावा देखिए रोटेशनल शिफ्ट होगी, तो वीक ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, नो प्लांट लीव्स 3 महीने तक, मतलब अगर सिक हो जाते हो तो अलग बात है, वैसे कोई प्लांट लीव इसमें नहीं होनी चाहिए पहले 3 महीनों में। उसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जिसमें Core i3 और 50 Mbps का कनेक्शन भी इंटरनेट का होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए सैलरी 2.4 तक दिया हुआ है, लेकिन एवरेज जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि 1.7 से लेकर 2.25 तक यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए डायरेक्टली एचआर का यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अपना रिज्यूम यहाँ पे भेज देना। रिज्यूम ज़्यादा बड़ा मत करना, 1 या 2 पेज मैक्सिमम कर देना, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से रिज्यूम आप बना के देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं बताने वाला था, ये वाली प्रोफाइल है रिमोट इंग्लिश टीचर। जो भी इंग्लिश में थोड़ा सा आप लोग स्ट्रांग हो, आप लोग चाहते हो पढ़ाना घर बैठ के, तो आपके लिए सबसे सुटेबल जॉब है। और एक चीज़ और, यहाँ पे 300 वैकेंसीज निकली है। प्लैनेट स्पार्क जो कंपनी है दोस्तों, जानी मानी कंपनी है, फेमस कंपनी है, और यहाँ पे हमेशा ये चीज़ निकल रही थी लेकिन वैकेंसीज कम रही थी, यहाँ पे अभी निकाला है 300 वैकेंसीज, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और देखिए 3 to 8 LPA, मतलब मिनिमम 3 LPA तो आपको मिलेगा, घर बैठ के आपको काम करना है। कितने देर काम करना है तो यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 3 PM से 8 PM, तो ऐसा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ फ्लेक्सिबल, तो ऐसा नहीं 3 बजे अगर दोपहर से कर रहे हो तो अगर 4-5 घंटे करते हो तो आपका वो काम हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर सकता है, यहाँ पे फ्रेशर या एक्सपीरियंस दोनों कर सकते हो। बच्चों को कौन पढ़ाना है, जितने एज हैं वो जो 5 एज से लेकर 30 एज तक आप लोग यहाँ पे पढ़ाना है वर्चुअली, ऐसा भी नहीं कि जाना है आपको वर्चुअली पढ़ाना है घर बैठ के, तो ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, बस इसमें ये है कि आपको इंग्लिश जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि मैं आपको डायरेक्ट जो एचआर का नंबर बता रहा था या फिर कनेक्ट करने के लिए, तो आप देख सकते हो ये लिंक्डइन की प्रोफाइल है, यहाँ पे सुकृत वर्मा, इस पे डायरेक्ट जो प्लस वाला आइकन, इस पे क्लिक करके इनसे कनेक्ट हो सकते हो। और डिटेल भी आप देख सकते हो, देखिए 3 PM से 10 PM तक IST कैंडिडेट्स, मतलब इंडियन कैंडिडेट्स को पढ़ाना है। बाकी अगर रात में अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आप 10 बजे से रात के 2 बजे तक US कनाडा के किड्स को आप लोग यहाँ पढ़ा सकते हो, मतलब जितनी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है उसके मुताबिक। ठीक है, अब सबसे लास्ट वाली बात जो मैं बता रहा था फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली ये इंडिया मार्ट निकाला हुआ है और ये पार्ट टाइम चाहे फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम है, आप चाहे इसको अगर अच्छा लग रहा है तो आप फुल टाइम कंटिन्यू करो या फिर आप पार्ट टाइम यहाँ पे कर सकते हो, इंडिया मार्ट की तरफ से। और अगेन यहाँ पे 100 वैकेंसीज निकली है, सबसे मिनिमम जो सैलरी है 1.75 है जो कि एक डिसेंट सैलरी है, और इसमें भी अगेन फ्रेशर और ग्रेजुएट यहाँ पे मांगा हुआ है। हाइब्रिड है, तो अगर उस शहर में रहते हो आप जाके ऑफिस कर सकते हो, अगर नहीं रहते हो तो आप घर से भी कर सकते हो, दोनों चीज़ यहाँ पे है। अब देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर
आप फीमेल हो, अगर उसमें भी आप फिजिकली डिसेबल्ड हो तो आपको जहाँ पे जो है प्रेफरेंस आपको मिलेगा, मतलब स्पेशली एबल्ड हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है मिनिमम कम से कम 4 घंटे आपको यहाँ पे देना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जो हाईलाइट्स हैं, वर्क फ्रॉम होम है, 6 घंटे आप यहाँ पे काम कर सकते हो, हर हफ्ते पेमेंट होगी, वॉइस बेस्ड कॉलिंग प्रोसेस है, इस तरीके की जॉब यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। और इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, ये जो इंडिया मार्ट का है इसमें मेल कैंडिडेट्स के भी निकलता रहता है, तो आप अगर जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक बार वेबसाइट पे चेक भी कर लेना, तो मेल कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे चीज़ जो लास्ट वाली चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, जो 12th क्लास के पास आउट बच्चे हैं उनके लिए क्या करना है, तो देखिए दो तीन चीज़ें हैं। अमेजन वर्क फ्रॉम होम हमेशा निकालता रहता है, अभी भी कुछ निकला हुआ है, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया वीडियो में, लेकिन आप अगर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलता है तो आप मेरी पुरानी वाली जो वीडियो है अमेजन की, उस पर आप लोग जाकर देख सकते हो, अमेजन वर्क फ्रॉम होम, वो भी आप लोग को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने कुछ पार्ट टाइम जॉब्स के भी बारे में बताया हो, तो उसमें जाके आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अपनी आप स्किल ज़रूर जो है ब्रशअप करते रहो, ताकि आप स्किल अच्छी आएगी तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको तीनों प्रोफाइल में से कौन सी प्रोफाइल सही लगी, या फिर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर मार देना, पहली बार आए चैनल में तो मेक श्योर नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबा देना, बगल में नोटिफिकेशन बेल उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसी डेली अपडेट्स मैं आप लोग के लाते रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।